दोस्तों नमस्कार, हम आज आपसे बात करने वाले हैं भोले बाबा श्री के बारे में, जिनको उनके भक्त साकार विश्वहरि के नाम से जानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पहले ये इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपने आसपास के लोगों को प्रवचन देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स दिन दोगुने और रात चौगुने बढ़ने लगे। आज उनकी एक एक सभा में 3 से 4 लाख तक लोग आते हैं। ये अपने आप में एक आस्था ही है। उनके फॉलोअर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं। आज वह जहाँ भी जाते हैं उनके साथ भक्तों का हुजूम उमड़ आता है। कोई उनको भोले बाबा का अवतार मानता है तो कोई उनको साकार विश्वहरि। साकार विश्वहरि ने कहा है कि धर्म जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं। धर्म की आड़ में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड का बोलबाला हो गया है। स्वयं का कर्म ही पाप बन जाता है, इसलिए मानवता की परिधि में रहकर मानवतावादी कर्म करना चाहिए। प्रवचन करते साकार विश्वहरि ने कहा है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, यह हमेशा था और रहेगा। मानव को मानवता की परिधि को कभी लांघना नहीं चाहिए। खाना, सोना, कर्म करना, ये सभी मनुष्य के नित्य कर्म हैं। संसार में बहुत बलशाली व्यक्ति हैं, लेकिन जब शरीर से प्राणवायु निकलती है तो कोई भी परिवारजन, मित्रजन साथ नहीं देता। सिर्फ स्वयं का कर्म ही साथ देता है। समाज को जोड़ना साकार विश्वहरि का अभियान है। इसमें साथ दिया तो यही कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। यहाँ आने वाली आत्माओं को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा की दृष्टि नहीं देखा जाता। ब्रह्मा के दरबार में सभी आत्मा बराबर हैं। आपका शरीर ही पूजा घर है। निस्वार्थ प्रेम करो, सच्चाई का साथ दो और सदैव कर्म करते रहो, वो भी सही दिशा में। ये है साकार विश्वहरि के कुछ अच्छे बोल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको साकार विश्वहरि के बारे में ये छोटी सी जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले बाबा।